हेलो एवरी वन आम अनुष्का सोनी फ्रॉम श्री वैश्व इंस्टीट्यूटेट ऑन दिक्राफी इन गोइंग टू स्टडी अबाउट द्रिप्टोग्राफी सम की वर्ड्स फीचर ऑफ क्रिप्टोग्राफी टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड देश स्टार्ट विदींग ऑफ क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी इज अ टेक्नीक जिससे हम सिक्योर करते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को या कम्युनिकेशन को बाय द यूज ऑफ कोई पर्सन फॉर होम द इन्फॉर्मेशन इज इंटेंट कैन अंडरस्टैंड क्रिप्टोग्राफी प्रिवेंट द अनऑथोराइज एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन द वर्ड क्रिप्टोग्राफी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड क्रिप्ट मीन्स हिडन एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग सो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी राइटिंग को मीन्स किसी टेक्स्ट को या किसी मैसेज को जो सेंडर सेंड send करना चाह रहा है रिसीवर को उसे हम हाइड करते हैं ताकि कोई मिडिल मैन जो है या अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए नाउ इन क्रिप्टोग्राफी द टेक्निक विच आर यूज टू प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन आर ओब्टेन फ्रॉम मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड सेट ऑफ रूल्स बेस्ड कैलकुलेशन नोन एज दिस दिसगोरिदम कन्वर्ट्स मैसेज इन सच अ वे दैट मेक इज हार्डर टू डी कोड इट नेक्स्ट इज कीवर्ड

हम उस टेक्स्ट को उस प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे टेक्स्ट में जो कि रीडेबल ना हो या अंडरस्टैंडेबल ना हो तो इस इंक्रिप्शन प्रोसेस को करने के लिए हम यूज करते हैं इंक्रिप्शन एल्गोरिदम इसमें जो सब्सिट्यूशन हम परफॉर्म करते हैं उसमें क्या हो, होता है कि मान लीजिए एक प्लेन टेक्स्ट है ए बी सी तो सब्स्टिट्यूशन में इन वर्ड्स को इन लेटर्स को सब्सिट्यूट कर दिया जाएगा किसी और सिंबल नंबर या वर्ड से जैसे कि ए बी सी है तो ए को हमने वन से रिप्लेस कर दिया बी को हमने टू से रिप्लेस कर दिया एंड सी को हमने किसी स्टार साइन से रिप्लेस कर दिया तो जो हमारा नया टेक्स्ट बन जाएगा इंक्रिप्शन होने के बाद ये जो प्लेन टेक्स्ट है ए बी सी वो इंक्रिप्शन एल्गोर्डम यूज करने के बाद एक न्यू टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि क्या होगा वन टू स्टार साइन एंड परमिटेशन में क्या होता है कि ये जो ए बी सी था हमारा प्लेन टेक्स्ट उसे हम रीअरेंज कर देते हैं जैसे ए बी सी है तो वो हो जाएगा सी ए बी ऐसे हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को यूज करते हैं नाउ थर्ड इज सीक्रेट की सीक्रेट की क्या होती है सीक्रेट की इज एन ऑल्सो इनपुट टू द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इंक्रिप्शन करने के लिए हम सीक्रेट की का यूज करते हैं

एसी को जो हमने कन्वर्ट किया था वन टू स्टार साइन वो वन टू स्टार साइन जो है वो होगा हमारा साइफर टेक्स्ट नाउ डिक्रिप्शनल गोरिदम अपोजिट टू द इनक्रिप्शनल गोरिदम जो हमारा साइफर टेक्स्ट है उसे डी कोड करने के लिए उसे डिक्रिप्ट करने के लिए हम डिक्रिप्शनल गोरिदम का यूज करते हैं नेक्स्ट इज फ्यूचर ऑफ क्रिप्टोग्राफी फर्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशलिटी Information can only be accessed by the person for whom it is intended, and no other person except him can access it. Integrity Information cannot be modified in storage or transition between sender and the receiver without any addition to the information being detected. Third is non repudiation the creator or the sender of information cannot deny his intention to send information at the later stage. And the fourth is authentication. The identities of the sender and receiver are confirmed as well as destination and origin of the information is also confirmed. Next is type of cryptography. There are two types of cryptography. First is symmetric key cryptography. So, in this symmetric key cryptography, the sender and the receiver of a message use a single common key. टू इंक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए हम एक सिंगल सेम की यूज करते हैं इनक्रिप्शन के लिए भी और क्रिप्टोग्राफी सिस्टम फास्ट एंड सिम्पल बट द प्रॉब इज दैट देंडर एंड रिसीवर हैव टू समाउ एक्सचेंज द की इन अ सिक्योर मैनर एंड फॉर दिसमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम आर पॉपुलर एलगोरदम्स आर यूज दैट आर डाटा इंक्रिप्शन सिस्टम दैट इज डी एंड एडवांस इनक्रिप्शन सिस्टम दैट इज एस सो वट हैिप्टोगी दे प्लेन टेक्सट इनपुट एक प्लेन टेक्सट है जिसमें हम इनक्रिप्शन एल्गोरिदम जैसे कि डीईएस जो हमने अभी पढ़ा उसका यूज करके विदेल्प ऑफ दीक्रेट की हम उस प्लेन टेक्सट को एक साइफर टेक्सट में कन्वर्ट करते हैं and then this cipher text is transmitted to the receiver now receiver kya karega ki wo decryption algorithm lagayega aur wahi same secret key use karega kyunki ek symmetric key cryptography hai isliye encryption and decryption dono ke liye ek single key use ki jayegi so receiver उसी same key का use करके decryption algorithm उस cipher text पे apply करके जो टेक्स्ट है उसे वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा जो साइफर टेक्स्ट था जो इनकोडेड था उसे हम वापस रिकॉर्ड करके प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं नाउ सेकेंड टाइप इज एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी अंडर दिस सिस्टम अ पेयर ऑफ की इज जनरेटेड फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इंफॉर्मेशन सो अनलाइक टू सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इसमें दो की का यूज किया जाता है एक होती है पब्लिक की एंड प्राइवेट की हर इंडिविजुअल के पास उसकी दो कीज होती है पब्लिक एंड प्राइवेट की एंड इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दोनों ही हम डिफरेंट की से करते हैं अगर इंक्रिप्शन हमने प्राइवेट की से किया है तो डिक्रिप्शन पब्लिक की से किया जाएगा सो एंड रिसीवर पब्लिक की

उसने क्या किया कि पब्लिक की रिंग का यूज करके उसे एलिस को एक टेक्स्ट भेजना था एक मैसेज भेजना है तो उसने उस प्लेन टेक्स्ट को उस मैसेज को एलिस की पब्लिक की का यूज करके इनक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज करके उस प्लेन टेक्स्ट को एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया और उसे ट्रांसमिट किया गया है टू एलिस नाउ एलिस क्या करेगा कि एलिस अपनी प्राइवेट की का यूज करके इंक्रिप्शन हमने किया था पब्लिक की का यूज करके बट जो डिक्रिप्शन होगा वो होगा प्राइवेट की से यहाँ पे इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन दोनों के लिए दो डिफरेंट की यूज की जाएगी सो so, डिक्रिप्शन के लिए हमने एलिस की प्राइवेट की का यूज किया है और वो यूज करके ये जो इनकोडेड मैसेज था साइफर टेक्स था उसे हमने फिर से प्लेन टेक्सट में कन्वर्ट कर दिया है ना एप्लीकेशन क्या है क्रिप्टोग्राफी के First, access control. Cryptography can be used for access control to ensure that only parties with the proper permission have access to a resource. Only those with the correct decryption key can access the resource. Now, second is secure communication. For secure online communication, cryptography is crucial it uh, offers secure mechanism for transmitting private informations like password bank account numbers and other sensitive data over the internet third is protection against attack cryptography aid in the defense against various type of assaults including replay and man-in-the-middle attack if uh, it offers strategies for spotting and stopping these assaults Fourth is compliance with legal requirement. Cryptography can assist firms in a meeting a variety of legal requirements including data protection and privacy legislation. Last is digital signature. Cryptographic digital signature are used to verify the authenticity and integrity of digital evidence. Forensic analyst can use digital signature to ensure that data has not been tempered with during collection, storage or transmission. नाउ द थ्योरी इज कम्प्लीट नाउ आई वुड लाइक टू नाओ मैम अब हम थ्योरी तो हम पढ़ चुके हैं अब हम प्रैक्टिकल इसका करके देखते हैं कि क्रिप्टोग्राफी कैसे करी जा सकती है एक्चुअल में तो हम पहले करते हैं सिमेट्रिकल की क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे हम एंटर करेंगे हमारा डाटा जो हमें इनक्रिप्ट करना है जैसे कि मैं मेरा नाम ऐड करती हूं अनुष्का सोनी अब हमें इसे इनक्रिप्ट करना है ऐसे फॉर्म में लाना है जो किसी और को पता ना चल पाए कि क्या लिखा है तो हम इसमें की का यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल टू इज अ की अब हम इसे इनक्रिप्ट कर देंगे नाउ इट इज इनक्रिप्टेड ये एक फॉर्म आ गया है ये जो हमें समझ नहीं आ रहा है वो क्या लिखा है ये एक साइफर टेक्सट है यह अनुष्का सोनी जो था वो हमारा क्या था प्लेन टेक्स था जिसे हमने key, की यानी कि टू का यूज करके हमने उसे कन्वर्ट किया है साइफर टेक्स्ट में नाव अगर हमें साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करना हो वापिस से हमारे प्लेन टेक्सट में तो हम क्या यूज करेंगे डिक्रिप्शन का विद द सेम की तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं Now, हम अगर इसे लिखें यहां पर नाउ सेम की का ही यूज किया जाएगा एंड डिक्रिप्ट अगर किया जाए तो ये वापस से वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है जो हमारा प्लेन टेक्स्ट स्टार्टिंग में था उसे हमने वापस से अब ले आए हैं Distured, नाव हम करके देखते हैं एसिमेट्रिकल क्रिप्टोग्राफी एसिमेट्रिकल क्रिप्टोग्राफी में हमें सबसे पहले जनरेट करनी होती है पेयर ऑफ कीज हमें पता है कि एसिमेट्रिकल क्रिप्टोग्राफी में दो की का यूज किया जाता है एक होती है पब्लिक की एंड अ प्राइवेट की सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जनरेट दोथ कीज हेयर वी हैव ऑलरेडी जनरेटेड कीज बाय क्लिकिंग ऑन जनरेट आर की पेयर ये हमारी पब्लिक की है ये हमारी प्राइवेट की है ना अब हमें जो भी टेक्स्ट है उसे इंक्रिप्ट करना है जैसे मेरा नाम यहां डाला मैंने ये टेक्स्ट है एंटर द प्लेन टेक्स्ट टू इंक्रिप्ट ना हम यहाँ पे यूज करेंगे पब्लिक की का इसे कॉपी कर लेंगे एंड एंटर करेंगे यहाँ पे एंटर पब्लिक की सेक्शन में पब्लिक एंड प्राइवेट की सेक्शन में एंटर किया नाउ मेक श्योर दैट यहाँ पे अगर हमने पब्लिक की हमारी एंटर करी है तो यहाँ पे जो पॉइंट uh, चॉइस है वहां पे भी हमें पब्लिक की ही चूज करना है नाउ दैट मैसेज ये हमारा यहाँ पे इनक्रिप्टेड मैसेज आ जाएगा ओके okay? नाउ अगर हमें इस इनक्रिप्टेड मैसेज को वापस से डिक्रिप्ट करना है अगर तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा ये इनक्रिप्टेड मैसेज मीन द साइफर टेक्स्ट यहाँ एंटर करेंगे और अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे पहले हमने पब्लिक की यूज करी थी इनक्रिप्ट करने के लिए तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे प्राइवेट की टू डिक्रिप्ट दैट मैसेज कॉपी कर लेंगे इसे एंड एंटर करेंगे यहाँ एंड अगेन मेक श्योर दैट अगर हमने यहाँ प्राइवेट की का यूज किया है तो इस सेक्शन में हम प्राइवेट की के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे नाउ डिक्रिप्ट दिस मैसेज अगेन हमारा साइफर टेक्स जो था उसे हमने वापस से ओरिजिनल जो हमारा टेक्स था हमारा प्लेन टेक्स जो था उसमें हमने कन्वर्ट कर दिया है आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एंड थैंक यू